मीवी डिओपोर्ट्स एफ 70 आज के डेट में इसकी प्राइस है 1199 रुपीज। सो 1200 रुपए के हिसाब से हम आज के इस वीडियो में इसे जज करेंगे क्या 1200 रुपीज में ये आपको लेना चाहिए या नहीं। मीवी ने काफी सारे डिओपोर्ट्स जो है वो लॉन्च कर दिया है इस साल। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मिलेंगी ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो मीवी की। सो सारे वीडियोज आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट मीवी डिओपोर्ट्स एफ 70। बॉक्स कंटेंट सब में एक जैसे ही होते हैं। इनफैक्ट मीवी के जो डिओपोर्ट्स की सीरीज है उसके बॉक्स भी आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। सो ये है बॉक्स कंटेंट ऑफ मीवी डिओपोर्ट्स एप 70। सिलिकॉन टिप्स भी मिलेंगे इसके अंदर क्योंकि मीवी डिओपोर्ट्स एप 70 आता है सिलिकॉन टिप्स के साथ। और मीवी डिओपोर्ट्स एप 70 है ENC के साथ एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन। सो सबसे पहले यहाँ पर इसके जो क्वाड माइक है उससे आपको साउंड क्वालिटी कैसे आएंगी कॉल करते टाइम वो हम लोग सबसे पहले इसकी माइक क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने अपने डिओपोर्ट्स को कनेक्ट कर लिया है अपने फोन के साथ और ये साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है मीवी डिओपोर्ट्स एप 70 से। और यहाँ पर AC ऑन है और अब ये वाले फोन के अंदर हम लोग जो है वो ट्रेन का साउंड प्ले करते हैं और देखते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा आ जाए कि अगर कुछ आप ट्रैफिक में हो और कॉल आता हो तो आपको कैसा इसके साथ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रेन का जो साउंड है वो प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में और साथ में यहाँ पर मैं बोलते ही जा रही हूँ तो आप लोगों को इससे जो है वो अंदाज़ा आएगा कि कैसा माइक इसका है और माइक क्वालिटी आपको इसके साथ कैसे मिलने वाली। ENC जो है वो कैसे परफॉर्म करके देने वाला है ऐसे साउंड कंडीशंस में भी। मेरे ख्याल से माइक क्वालिटी कमाल की है इस डिओपोर्ट्स की। आप लोगों का क्या कहना है आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे 12 mm के ड्राइवर्स दिए हैं इसके अंदर तो थोड़ी बात कर ली जाए साउंड क्वालिटी के बारे में। वैसे ये वीडियो जो है वो एक हफ्ते बाद आ रही है। इसका एक रीज़न है गाइज, यहाँ पर इस डिओपोर्ट को मैंने एक हफ्ते तक लगातार यूज़ किया उसके बाद में जो है वो ये रिव्यू वीडियो कर रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके साथ मुझे साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस कैसा मिला। साउंड के मामले में मुझे ये डिओपोर्ट्स बाकी डिओपोर्ट से अच्छा लगा। साउंड सेपरेशन वगैरह भी सही है इसमें। इवन जो बेस वाले सॉन्ग्स रहते हैं ना वो भी सही लगे। इन शॉर्ट बेस वाले सॉन्ग्स भी ये जो है वो सही से प्ले कर रहा है। लाउडनेस भी यहाँ पर इस डिओपोर्ट के अंदर एकदम कमाल की है। साउंड एंड बैटरी में मुझे यहाँ पर इस डिओपोर्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ एक जगह पर मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा उसके बारे में हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर साउंड के बारे में और बात की जाए तो ओवरऑल जो जितने टाइप के भी साउंड्स रहते हैं मैंने सबको यहाँ पर ट्राई किया। लेकिन क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं ये ऐसे सॉन्ग्स कैसे प्ले होते हैं ये वाले सॉन्ग्स कैसे प्ले होते हैं तो मैंने हर तरह के साउंड को इसके ऊपर ट्राई किया है और मुझे यहाँ पर इसकी लाउडनेस भी सही लगी। वोकल्स वगैरह भी क्लियर लगे। इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी यहाँ पर आपको क्लियर से सुनाई देता है। साउंड सेपरेशन यहाँ पर एकदम सही से आपको मिलता है। सो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस मुझे तो यहाँ पर इस डिओपोर्ट के साथ बड़ा ही कमाल का लगा है। 50 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है इसके अंदर। टोटल 500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी है इस छोटे से डिओपोर्ट के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए मिलता है जो कि एक घंटे में डिओपोर्ट को टोटली चार्ज करके देता है और 50 आवर्स तक का यहाँ पर आपको प्लेबैक टाइम मिलता है इसके साथ। सो बैटरी एंड साउंड दोनों के अंदर ये डिओपोर्ट्स बड़ा ही कमाल का है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग डिज़ाइन के बारे में। सो डिज़ाइन यहाँ पर आपको बाकी मीवी डिओपोर्ट के जैसे ही यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी यहाँ पर जो है वो सारे मीवी के आजकल के डिओपोर्ट्स में आपको इस टाइप के कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये ब्लू कलर है साथ में मीवी की ग्रे कलर में यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है और डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ये जो है वो आता है सिलिकॉन टिप्स के साथ। यहाँ पर है मल्टी फंक्शन बटन। सो मीवी के बाकी सारे डिओपोर्ट्स की तरह इसके साथ भी आपको सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो कि एक डिओपोर्ट्स के अंदर होने ही चाहिए। और मल्टी फंक्शन बटन के बारे में यहाँ पर इसके मैनुअल में आपको काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन दी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी इसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि एक डिओपोर्ट्स में मेरे ख्याल से होने चाहिए।
और यहाँ पर इस डियोपोर्ट के अंदर एक दिक्कत लगी मुझे गाइज, वो ये है कि डियोपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है, जिससे चलते यहाँ पर डियोपोर्ट को एक बार में निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तो। सो इसे मतलब निकालना मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। इस तरह से आप इसे जो है वो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी हो, जल्दी जल्दी में डियोपोर्ट को आप निकालना चाहते हो बैटरी केस के अंदर से, तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हुआ है। मुझे मतलब 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं इसे निकालने के लिए, उसके बाद में जो है वो कोशिश करके इस डियोपोर्ट को इस बैटरी केस में से निकाल पाती हूँ। सो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो लगा मुझे। ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में मुझे और कोई भी शिकायत नहीं है। कंफर्ट की अगर बात करें तो कंफर्ट तो वाकई में बड़ा ही कंफर्टेबल है यहाँ पर ये डियोपोर्ट। डिज़ाइन के मामले में बड़ा ही कमाल का है और मुझे इस टाइप के ही डियोपोर्ट पसंद है, सिलिकॉन टिप्स वाले, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करते टाइम भी ये निकलता नहीं है, फिटिंग वगैरह एकदम सही है, लाउडनेस भी सही है, तो जिम के लिए तो मैं 100% आपको रिकमेंड करती हूँ। एक्सीडेंटल टचेस वगैरह भी इस डियोपोर्ट के साथ कम हो रहे हैं। बाकी डियोपोर्ट्स में एक्सीडेंटल टचेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत ही कम एक्सीडेंटल टचेस हो रहे हैं। सो जिम के मामले में अगर जिम में आपको यूज़ करना हो तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। ऐसे IPX4 की रेटिंग मिलती है इसके ऊपर, सो वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट आप इसे कह सकते हो। ऊपर से ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट है, 10 मीटर के रेंज में आराम से चलता है। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस डियोपोर्ट के साथ, और बिल्ड क्वालिटी एकदम ही सॉलिड आप कह सकते हो। यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली बाकी डियोपोर्ट से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसके बिल्ड क्वालिटी सॉलिड लगी। हाँ, ये प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है, तो इससे चलते जो है वो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही कमाल की आपको देखने मिलने वाली है। एक साल की वारंटी मिलती है आपको मीवी के हर एक डियोपोर्ट्स के साथ, हर एक प्रोडक्ट के साथ। आपको व्हाट्सएप करना रहता है इस नंबर पर और जो है वो वारंटी को क्लेम करवाना होता है आपको। तो ये था मीवी डियोपोर्ट्स एप 70 का रिव्यू, इन डिटेल रिव्यू। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करना, मुझे अच्छा लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट जो है वो देखने को मिलता रहता है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।